सो हे गाइस, हो जाइए रेडी फिर से एक बढ़िया से आईपीओ की अपडेट जानने के लिए। ये वीक जो है वो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। गणपति बाप्पा जो है वो आ गए हैं आपके सिटी के अंदर। तो आप सबको पहले तो मेरी और मेरी पूरी आईपीओ वॉच की टीम की ओर से हैप्पी गणेश चतुर्थी। यहाँ दोस्तों, और इसी के साथ ये वीक स्टार्ट हो रहा है और वीक के स्टार्ट में ही 9 तारीख को ही एक साथ ओपन होने जा रहे हैं आईपीओ। यहाँ दोस्तों, उसमें से 3 मैन बोर्ड कैटेगरी के आईपीओ। इतना ही नहीं, 10 तारीख को 3 आईपीओ ओपन हो रहे हैं, 11 तारीख को 2 और 13 तारीख को फिर से 3 आईपीओ आने वाले हैं। तो ये वीक जो है वो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है और सितंबर के अंदर अब तक के हाईएस्ट आईपीओस आने वाले हैं। यहाँ दोस्तों, अब जो 3 मैन बोर्ड सेगमेंट के आईपीओ है उसमें से एक है टोलिन टायर्स का आईपीओ, दूसरा है बजाज फाइनेंस का आईपीओ और तीसरा है क्रॉस का आईपीओ। यहाँ दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें बजाज के आईपीओ के बारे में, क्योंकि उसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। सबसे पहले जाने अगर इस कंपनी की डिटेल, तो कंपनी बजाज समूह का ही हिस्सा है जो विभिन्न क्षेत्रों में रुचि रखने वाले कंपनियों का एक विविध समूह है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस होम एंड कॉमर्शियल स्पेस के लिए परचेस और रिनोवेशन के लिए व्यक्तियों को और कॉरपोरेट्स को अनुकूलित वित्तीय समाधान प्रदान करता है। कंपनी की मॉर्गेज प्रोडक्ट रेंज व्यापक है और इसमें होम लोन्स, लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी, रेंट कॉरपोरेशन, रेंट कंसेशन एंड डेवलपमेंट फाइनेंस भी शामिल है। बात करें इसके आईपीओ की डिटेल की, तो ये आईपीओ 9 सितंबर से ओपन होगा, 11 सितंबर तक आप इसमें इन्वेस्ट कर पाओगे। आईपीओ का साइज जो है वो 6,560 करोड़ रुपये का तय किया गया है। जी दोस्तों, 6500 करोड़ का ये आईपीओ होने वाला है। इसमें से 3,560 करोड़ रुपये का फ्रेश इश्यू होगा और 3,000 करोड़ का इसमें ओएफएस भी शामिल होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर इक्विटी शेयर, प्राइस बैंड 66 से लेकर 70 रुपये पर इक्विटी शेयर तय किया गया है। रिटेल कोटा 35%, QIBS के लिए 50% और NII के लिए 15% रिजर्व रखा गया है। मैन बेड सेगमेंट का ही यह आईपीओ है, सो 214 शेयरों की इसकी लॉट साइज रहेगी। 14,980 रुपये आपको इसमें इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। नज़र डालें इसके GMP की डिमांड की, तो जी हाँ दोस्तों, मैंने बताया वैसे बढ़िया सी डिमांड के साथ ये गेन कर रहा है। 79% इसकी GMP चल रही है, 55 रुपये पर ट्रेड कर रहा है और यही GMP रही तो आपको इस IPO से 79% यानी 80% का मुनाफा तो मिल ही सकता है, यानी ऑलमोस्ट आपके पैसे डबल होने के चांसेस इस IPO से है। पर आप सब जानते हो, ग्रे मार्केट प्रीमियम मार्केट सेंटीमेंट पर डिपेंड होता है, डे बाई डे अपडेट होता रहता है और ये डे बाई डे अपडेट अगर आपको जाननी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप इस IPO का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम डे बाई डे चेक कर सकते हो। उसके अलावा हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी हमें जुड़ सकते हो, वहाँ पे भी आईपीओ के रिगार्डिंग सारी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहेंगी। नज़र डालें इसके अलॉटमेंट, इसके लिस्टिंग की, तो 12 सितंबर को इसका अलॉटमेंट मिल सकता है और 16 सितंबर को आईपीओ मार्केट में लिस्ट भी हो सकता है। आप आपका अलॉटमेंट इसके ऑफिशियल रजिस्ट्रार केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की ऑफिशियल साइट पर जाके चेक कर सकते हो। बात करें कंपनी के प्रमोटर की, तो बजाज फाइनेंस लिमिटेड और बजाज फिनसर्व लिमिटेड जो है वो इस कंपनी के प्रमोटर है। वही इसके लीड मैनेजर और मर्चेंट बैंकर्स के तौर पर बोफा सिक्योरिटी इंडिया लिमिटेड, एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, गोल्डमैन सच सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, SBI कैपिटल मार्केट लिमिटेड, JM फाइनेंशियल लिमिटेड और IIFL सिक्योरिटी लिमिटेड को तय किया गया है। अब नज़र डालें इसके वैल्यूएशन पर, तो इसका अर्निंग पर शेयर जो है वो 2.6 पर इक्विटी शेयर है, इसकी रिटर्न ऑन नेट पर जो है वो 15.2% है और इसकी NAV यानी जो नेट एसेट वैल्यू है वो 18.2 पर इक्विटी शेयर तय की गई है। अब नज़र डालें कि आखिरकार कंपनी प्रॉफिट कितना कमा रही है, तो उसका फाइनेंशियल रिपोर्ट चेक करें तो फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 709.62 करोड़ रुपये था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में बढ़ के 1257.80 करोड़ रुपये पर पहुँच गया। यही नहीं, 2024 में इसके प्रॉफिट में और बढ़ोतरी हुई, 1731.22 करोड़ रुपये पर यह पहुंच गया और जून यानी 2024 ये जून तक का रिकॉर्ड हम चेक करें तो इसका प्रॉफिट 482.61 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। दोस्तों, बजाज की ही ये कंपनी है, काफ़ी बढ़िया नाम है, ऑलरेडी इसकी सब लिस्टेड कंपनियां मार्केट में लिस्ट है, बहुत ही बढ़िया IPO साबित हो सकता है। लॉन्ग टर्म का जरिया होगा तो आपको इससे ज़रूर प्रॉफिट मिलेगा। इसके अलावा मैन बोर्ड सेगमेंट का ही है, 7 ऑप्शन है, 3 मैन बोर्ड के, 4 SME के, उसमें से मैन बोर्ड में सबसे ज़्यादा डिमांड
इस आईपीओ की चल रही है, तो हमारे रिव्यू की बात करें तो बेफिक्र होकर आप इसमें इन्वेस्ट करिए। जीएमपी भी बढ़िया है, आपको ज़रूर से फ़ायदा मिल सकेगा। और ऐसी आईपीओ की अपडेट मिस नहीं करनी, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में लगा हुआ बेल आइकन भी दबा देना, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे।